डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय, यह बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है कि हिंदुस्तान में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि इन प्रतिनिधियों में से कई प्रतिनिधि तो उन देशों से इतर के थे जहाँ पर हिंदी बोली और समझी जाती है। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में वेनिस विश्वविद्यालय इटली की प्रोफेसर मार्का ने कहा कि भारत में उनकी शुरू से ही रुचि रही थी और इसलिए हिंदी सीखी थी। हिंदी एक वैश्विक पहुंच रखती है, साथ ही कहा कि दूसरी भाषाओं के चक्कर में अपनी मातृभाषा को भूल जाना ठीक नहीं है। चीन के प्रतिनिधि ने धारा प्रवाह हिंदी में अपनी बात रखती हुई कहा कि हिंदी दुनिया की बड़ी भाषा है और इसका लगातार विकास हो रहा है। इस सम्मेलन में स्वीडन के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है, लेकिन इसमें अन्य भाषाओं के समृद्ध शब्दों को समाहित करके और समृद्ध बनाना चाहिए। इस सम्मेलन में पोलैंड वारसा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों को दोहराते हुए अपनी सहमति व्यक्त की थी कि हिंदी भाषा के अंदर दूसरी भाषाओं के उपयोगी शब्दों को समाहित करना चाहिए। एक प्रतिनिधि ने कहा कि मैं महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होती रही हूँ, इसलिए उनको जानने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी। आजकल हमारे यहाँ हिंदी और हिंदी की फिल्में बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेश नीति विषय पर एक समानांतर सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा जोर देते हुए कहा कि विदेश नीति में इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने प्रशंसा करते हुए कहा था कि विदेश मंत्रालय में बीते एक वर्ष से हिंदी का प्रयोग काफ़ी बढ़ रहा है। अब विदेश मंत्रालय में मौलिक हिंदी का लेखन होने लगा है। उन्होंने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौलिक हिंदी लेखन को और बढ़ाने की आवश्यकता जताई और क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के अधिकारी आज भी अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई विभाग से संबंधित प्रश्न उठाना चाहता हूँ। महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मेरे विधानसभा विकास खंड के अंतर्गत 2 स्टाम्प डैम कई वर्ष पहले बनाए गए थे। उनमें से एक स्टाम्प डैम में पानी रोकने के लिए गेट नहीं लगे हैं। गेट के अभाव में पानी एकत्र नहीं हो पा रहा है। यदि पहले से तालाब में गेट लगे होते तो पानी इकट्ठा हो जाता और किसानों को सही वक्त पर सिंचाई के लिए पानी मिल जाता। महोदय, फसल सींचने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी नहीं मिलने के कारण उपज अच्छी नहीं हो पा रही है और किसान को प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः मेरा अनुरोध है कि स्टाम्प डैम बनाते समय ही गेट लगा दिए जाएं तो किसानों को इस समस्या से निजात मिल जाती और किसानों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
स्टॉप। स्टूडेंट, अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निकाले जाने वाले स्टेनोग्राफर, APS और विधानसभा रिपोर्टर, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के स्किल टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ाने के लिए एडवांस आउटलाइन की सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।